मैं तो सुबह उठा भी नहीं होता हूँ, लेकिन मम्मी जो है ये सारी लकड़ियाँ सुबह सुबह यहाँ पे फेंक देती हैं। ये है हमारी छोटी पीहू और ये है पीहू का परिवार। अगर ये सारी प्रॉपर्टी हमारे अगर मार्केट में होती तो शायद मैं करोड़पति होता। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का पिथौरागढ़ की खूबसूरत पहाड़ों की वादियों से। आसमान में आज हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा जो है आज का मौसम हो रखा है। आज का हमारा काम यह है, ये जो सारी लकड़ियाँ यहाँ पे, इनको यहाँ से टांच के यहाँ पे टांचनी है, मतलब यहाँ पे सेट कर देना है, क्योंकि ये जगह हम लोगों को खाली चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे जो है सारी की सारी लकड़ियाँ इधर से हटा के हम लोगों ने सेट कर दी है वहाँ पीछे की तरफ, क्योंकि ये वाला स्पेस हम लोग को थोड़ा सा यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा इसको खाली हम लोग कर रहे हैं फिलहाल। और बाकी जो लकड़ियाँ आ रही हैं इनको हम वहाँ नीचे जो दिख रहा है ना ये वाला, इस पर हम लोग सेट कर रहे हैं। मैं तो सुबह उठा भी नहीं होता हूँ, लेकिन मम्मी जो है ये सारी लकड़ियाँ सुबह सुबह यहाँ पे फेंक देती है और मेरा काम होता है यहाँ पे इनको यहाँ पे सेट करना, तो थोड़ा बहुत इनको सेट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। लकड़ियाँ तो मैंने लगभग सब सेट कर दिए हैं, अब जब और लकड़ियाँ आएंगी दोबारा से इनको सेट करना पड़ेगा। ये है हमारी छोटी पीहू और ये है पीहू का परिवार। सबको यहाँ पे बाहर पे बांध दिया गया है, मस्त सी धूप खिली हुई है, तो इसलिए इनके लिए यहाँ पे छत लगाई गई है ताकि इन लोगों को बिल्कुल भी धूप ना पड़े और इन लोगों को यहाँ पे अच्छी छांव मिलती रहे। मम्मी जी तो घास काटने के लिए पता नहीं कहाँ चली गई हैं, उनसे मुझे छोटा सा काम था। चलिए खैर, मम्मी जब आएंगे तब वो काम करेंगे, अभी मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। हमारे गांव में हम लोगों के पास जो है जमीन या जिसको हम खेत बोलें वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस तरफ ये पूरे देखेंगे आप जितने भी यहाँ नज़र आ रहे हैं ये सारे हमारे खेत हैं, पर यहाँ से हम अगर दूसरी तरफ जाएंगे पीछे की तरफ तो यहाँ भी जो है हम लोग के काफ़ी सारे खेत हैं। अगर ये सारी प्रॉपर्टी हमारे अगर मार्केट में होती तो शायद मैं करोड़पति होता, आराम से बिल्कुल बैठ के वाली चैन की ज़िंदगी जी रहा होता। लेकिन अभी जिस जगह पे ये सारी प्रॉपर्टी हैं वहाँ पे अभी इनका इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग जो हैं इस पर खेती कर सकते हैं। और खेती करने के लिए आजकल आपको पता ही है बहुत ही कम लोग हैं, कोई खेती करना नहीं चाहता है, तो हमारे पास तो वैसे भी आदमी यहाँ पे रहते नहीं है गाँव में खेती करने के लिए, तो खेती भी यहाँ पे हमसे नहीं हो पाती है। बट ये है कि अगर हमारे भविष्य में हमारे बच्चे जो होंगे उनको ये सारी प्रॉपर्टी, देखिए नीचे की साइड भी बहुत जगह है हमारी, उनको ये सारी प्रॉपर्टी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है अगर वो इसका सही से यूज़ कर पाए। तो खेतों के चारों तरफ यहाँ पे इस तरीके से साड़ी बांधी गई है ताकि कोई भी जंगली जानवर जो है यहाँ से नीचे ना जा सकें। अगर आप देखेंगे तो खेत के बीच में यहाँ पे इस तरीके से कपड़े भी टांगे गए हैं ताकि जो जंगली जानवर है जैसे सूअर, उनको लगे कि यहाँ पे कोई आदमी है तो फिर वो यहाँ पे नहीं आते हैं खेतों में। दिन के समय पे जैसे ही धूप बढ़ जाती है तो हमारी जो मधुमक्खियां हैं वह बाहर आ जाती हैं। यह है हमारे घर के साइड वाला हिस्सा। हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो खाना बनता है वह लकड़ियों में ही बनता है, हम लोग यहाँ पे गैस पे बहुत ही कम बनाते हैं, इस वजह से यहाँ पर भी हम लोगों ने एक लकड़ी का खाद बना रखा है जहाँ पे हम लोगों ने लकड़ियों को सूखने के लिए रखा है, और जब ये लकड़ियाँ सूख जाएंगी उसके बाद जो है हम लोग इनको खाना बनाने के यूज़ में लेके आएंगे। मम्मी जी का ये काम हो रहा है आजकल दिन में, फिर से यहाँ पे लकड़ियाँ जो हैं वह लेके आ गई हैं। हमारे घर का जो आने के लिए रास्ता है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, ये तो फिलहाल अभी आपको थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है क्योंकि इसको थोड़ा बहुत हमने बना दिया है, बाकी यहाँ ऊपर पे जो है आपको पूरा रास्ता भी बनाना है। साइड साइड में जितनी भी घास वगैरह हो रखी है इनको निकालना है और थोड़ा सा रास्ते को चौड़ा करना है, वरना यहाँ पे पैदल चलने के लिए बहुत ही मुश्किल है। आप देख रहे होंगे सिर्फ एक आदमी ही जो है इस रास्ते में आगे चल सकता है, तो हमारा काम है कि यहाँ पे साइड में जितनी भी ये घास वगैरह है इसको थोड़ा सा खोद के यहाँ से रास्ता थोड़ा चौड़ा करने के लिए, ताकि चलने के लिए बिल्कुल आसानी हो, कम से कम दो आदमी एक बार में यहाँ से चल सके। इन रास्तों को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो हथियार है या औजार है वह है यह बोसा, तो इसकी मदद से मैं पूरे रास्ते को यहाँ पे बनाता हूँ।
तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रास्ता जो है खोद खोद के बना दिया है। यहाँ पे भी जो है रास्ता पहले बहुत ही पतला था, अभी तो रास्ता खोद के हमने काफी इसको बड़ा कर दिया है। एक बार में ये पूरा नहीं होगा, तो एक एक करके थोड़े थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा इसको और बीच में खोदते रहना पड़ेगा। तो ये रास्ता हमने ऐसी वहाँ ऊपर तक बना दिया है। आज तो बस थोड़ा बहुत ही रास्ता हो पाया है, अब बाकी रास्ता यह जो है इसको कल करेंगे, आज ज़्यादा समय नहीं बचा है और छोटा मोटा काम और करना है तो इसको भी छोड़ दिया है। तो इतने रास्ते को कंप्लीट कर देंगे हम लोग कल, और बाकी जब रास्ता कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कल दिखाएंगे आप लोगों को। मम्मी जी को फूलों का भी बहुत शौक है, इसलिए ये वाले फूल जो है मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। ये लाल कलर के फूल आते हैं और काफ़ी प्यारे लगते हैं, बट इन फूलों का कोई नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत प्यारे फूल लगते हैं। बाकी यहाँ पे तो हजारी के फूल, ये सब जानते ही हैं इसको। और यहाँ पे लगाए हैं गुलाब का फूल भी लगाया, लेकिन अभी इसमें गुलाब नहीं आए हैं। बाकी काफ़ी सारे यहाँ पे भी हमने फूल लगाए हैं, अभी छोटे ही हैं सारे पौधे, अभी जब बढ़ेंगे तो तब इनमें बहुत ही अच्छे जो है फूल नज़र आते हैं। फिलहाल कोई फूल अभी नहीं है। हमारे यहाँ पे जितने भी ये जंगल है यहाँ पे, मोस्टली इन जंगलों में जो है साल के पेड़ बोले जाते हैं और साच के, यह दो पेड़ बहुत ही ज़्यादा हमारे गांव में पाए जाते हैं। इनकी जो लकड़ियाँ हैं उनसे यहाँ पे घर के जो दरवाजे खिड़की होते हैं वो काफ़ी अच्छे इनसे बनते हैं। तो अगर बिल्कुल सीधा पेड़ हम लोगों को मिल जाए तो इस चीज़ में काफ़ी काम आते हैं, मतलब घर की जो भी अगर हम लोगों को ये खिड़की वगैरह बनानी है, दरवाजे वगैरह बनाने, तो ये लकड़ियाँ काफ़ी काम की हैं। और हमारे घर के सामने पर यह जो पेड़ है यह आम का है, इसमें बहुत ही अच्छे जो है आम आते हैं। बट एक ही चीज़ की यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हर साल आम नहीं आएगा, मतलब एक साल आम आता है तो फिर अगले साल नहीं आता है, फिर उसके साथ अगले साल आता है तो फिर उसके अगले साल फिर नहीं आता है। ऐसे यहाँ पे एक और ये अभी आम का पेड़ है और वहाँ पे भी आम का पेड़ है, मतलब आम के पेड़ हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगा रखे हैं, क्योंकि आम खाने में बहुत मज़ा आता है सच कहूँ तो। अगर खेतों की अगर बात करें, खेतों में हमने लगाया है धनिया और प्याज एंड गोभी, मटर भी लगाए। गांव साइड में जीवन व्यापन करना इतना भी आसान नहीं होता है, बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी मुश्किल जो है आते रहती हैं, उन सभी मुश्किलों को पार करना होता है। शहर में तो चीज़ें हमारे घर के आसपास ही मिल जाती हैं, लेकिन गांव में हर एक चीज़ के लिए मेहनत करनी होती है, उसको लेके आने के लिए काफ़ी संघर्ष करना होता है, पहाड़ में चढ़ के जाना होता है फिर उतरना होता है। छोटा सा अगर घास भी लेके आ रहा है तो उसके लिए भी पहाड़ में चढ़ना उतरना, सीधा रास्ता तो हमें यहाँ पे बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो मम्मी लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे काम करने के लिए, बट यही है गांव में जितनी भी गांव की महिलाएं होती हैं वह पहले से ही इन सारे काम को करते आ रही है, तो उनको हमेशा इन काम करने की आदत होती है और वो यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं लगती जितनी प्रॉब्लम हमको दूर से देखने में लगती है कि यह काम वह कैसे कर रहे होंगे। उन लोगों के लिए वह बिल्कुल आसान होता है। बाकी हमारी मम्मी जी का कहना है कि अगर वह काम नहीं करती हैं तो उनकी बॉडी में पेन हो जाता है, मतलब वह रिलैक्स बैठ ही नहीं सकती है, उनको रेगुलर कुछ ना कुछ काम करते रहना है, उनका ऐसा मानना है। तो पता नहीं वो सच कहती है या मतलब हमको दिलासा देने लगे कहती है कि कोई और काम करने वाला यहाँ पे है नहीं, बट ज़्यादातर मम्मी का ये कहना है कि जब भी वो काम करती है तो उनको अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छी लगती है। पीछे पर हमारा जो मंदिर है उसके यहीं पर ही हमने एक पीपल का पेड़ भी लगाया है, मम्मी जो है पीपल के पेड़ की यहाँ पे पूजा भी करती हैं। और यह जो है ना जब भी गर्मियाँ होती हैं तो बहुत अच्छी यहाँ पे हम लोगों को छाया देता है बैठने के लिए। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके अपना प्यार मुझे बताएं। जाने से पहले आप सबका दिन बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज़।